बार बार पथरी बनने की समस्या से परेशान हैं तो खाएं यह दाल। निरोग शरीर पाने के लिए हमारे खान पान में अच्छी व सेहतमंद चीजों का शामिल होना जरूरी है। कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भारतीय संस्कृति में अन्न को अन्नपूर्णा मतलब ईश्वर के रूप में सम्मान देने का यही कारण है। वैदिक ऋषियों के अनुसार हमारे स्वस्थ शरीर मस्तिष्क के लिए भोजन के प्रकार तथा भोजन करने के ढंग का विशेष महत्व रहता है। आयुर्वेद में दिए गए उपायों व खाने पीने की वस्तुओं को अगर अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए तो व्यक्ति निरोग रह सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी ने हमारे खान पान को प्रभावित किया है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, शुगर व पथरी जैसे रोग आम हो चुके हैं। किंतु हमारी रसोई में अनेक ऐसे नुस्खे उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कर इन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। आज हम आपको कुल्थी की दाल के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। पथरी का इलाज। अक्सर गलत खान पान या जरूरत से कम पानी पीने के कारण गुर्दों में पथरी की समस्या हो जाती है। पथरी से व्यक्ति को तेज दर्द के साथ साथ उल्टी की समस्या, पेशाब का रुक जाना, खून आना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पथरी की समस्या में कुल्थी की दाल का सेवन लाभदायक है। कैसे करती है कुल्थी की दाल अपना काम? कुल्थी की दाल बड़ी पथरी को तोड़ देती है, जिससे पथरी आसानी से मूत्र द्वार से घुलकर बाहर निकल जाती है। कुल्थी की दाल में मूत्र की मात्रा को बढ़ाने का गुण होता है, जिसके सेवन से पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और पथरी के कणों पर दबाव पड़ता है, वह नीचे की ओर खिसकते हुए बाहर आ जाती है। कैसे करें दाल का प्रयोग? कुल्थी की दाल को 200 ग्राम मात्रा में साफ कर लें और रात को 2 से 2.5 लीटर पानी में भिगो दें। सुबह इस दाल को हल्की आंच पर अच्छे से पकाएं। जब पानी ठीक मात्रा में रह जाए तो शौंक लगा दें। इसमें आप स्वाद के लिए काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक व हल्दी डाल सकते हैं। कैसे करें दाल का पानी तैयार? 200 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थी की दाल डाल दें और रात भर ढककर रख दें। सुबह इस पानी को खाली पेट पी लें। जिन्हें पथरी की शिकायत बार बार हो जाती है, उन्हें दाल के पानी का सेवन कभी कभी करते रहना चाहिए। इसके सेवन से भविष्य में पथरी बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इन बीमारियों में भी असरदायक है कुल्थी की दाल। शुगर यानी मधुमेह का रामबाण इलाज। शुगर के मरीजों के लिए यह दाल रामबाण इलाज है। कुल्थी की दाल से खून में ग्लूकोज का लेवल सही रहता है, इसलिए शुगर के मरीजों को अपने खाने में कुल्थी की दाल को शामिल करना लाभदायक रहता है। सर्दी जुकाम में लाभदायक। कुल्थी की दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दी जुकाम के लिए फायदेमंद है। दाल का सूप बनाकर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है, जिससे शरीर को गर्मी मिलती है और नाक खुलता है। वहीं इस दाल के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। वजन होता है कम। सुबह खाली पेट नाश्ते के रूप में कुल्थी की दाल उबाल कर खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। आयुर्वेद में कुल्थी की दाल और मक्खन से फैटी क्षेत्र में मालिश करने से फायदा होता है। महिलाओं के लिए है फायदेमंद। कुल्थी की दाल महिलाओं की मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। इस दाल में लौह तत्व मौजूद होने के कारण यह खून की कमी को दूर करती है। आयुर्वेद के अनुसार महिलाओं को आयुर्वेद के किसी माहिर की देखरेख में रोजाना 1 चम्मच कुल्थी की दाल के पाउडर का सेवन करना चाहिए। आंतों के लिए भी है लाभदायक। कुल्थी की दाल आंतों की समस्याओं को कम करके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल पेट के कीड़ों को खत्म करता है। पेट फूलने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। एक अध्ययन में सामने आया है कि कुल्थी की दाल आंतों के अल्सर को ठीक करने में सहायक सिद्ध होती है। बवासीर के इलाज में भी है असरदायक। बवासीर की बीमारी में आयुर्वेदिक माहिर कुल्थी की दाल के सेवन की सलाह देते हैं। रात के समय भिगोकर रखी दाल के पानी को पीना व इसके बीजों को सलाद के रूप में खाना बवासीर में लाभदायक होता है। अस्थमा में मिलती है राहत। कुल्थी की दाल में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। साथ ही इसमें बायोएक्टिव पदार्थ भी होते हैं, जो सर्दी, गले की बीमारियों, अस्थमा जैसी बीमारियों को खत्म करने में मददगार सिद्ध होते हैं। कुल्थी की दाल के नुकसान। कुल्थी की दाल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तपेदिक व उच्च रक्तचाप के मरीजों को कुल्थी की दाल के सेवन से बचना चाहिए। जो लोग एनीमिया की दवाई ले रहे हैं,
उन्हें कुल्थी की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अतः किसी भी रोग या समस्या में कुल्थी की दाल का सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक माहिर की सलाह जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए D5 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक।